कम बैक टू माई चैनल एकेडमी ऑफ सेंशिया। और हम लोग कर रहे हैं टेट एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व। तो हमारे 150 तक हो चुके थे, क्वेश्चन है 151। ओके, तो आइए देखते हैं। दिलेलिया पर्याय मधुन शेरनी पुन का नारी योग्य आकृति निवड़ा। कंप्लीट द सीरीज बाई चूजिंग लेफ्ट फिगर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। हमारे पास 4 फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और हमको क्या करना है, ढूंढना है फिफ्थ वन। तो पहले आप फर्स्ट फिगर देखिए, क्या है आपके पास, एक ऐसी लकीर है, एक ऐसी है, एक ऐसी है। सेकंड देखिए, सेकंड में एडिशन हुआ है, किसका किसका एडिशन हुआ है, सिर्फ वन स्ट्रेट लाइन का एडिशन। थर्ड फिगर देखिए आप, थर्ड फिगर में एडिशन हुआ है स्लीपिंग लाइन का। फोर्थ देखिए आप, ठीक है, फोर्थ में एडिशन हुआ है स्ट्रेट लाइन का। अब इसके बाद तो अब फिफ्थ में क्या होना चाहिए, तो फिफ्थ फिगर में क्या होना चाहिए कि हर जगह आप एडिशन अगर देखते जाएं तो यहाँ पर पहले कहाँ है, यहाँ पर फर्स्ट लाइन है, यहाँ वन लाइन है, यहाँ टू लाइंस है, तो यहाँ पे एडिशन होना चाहिए 3 लाइंस का। इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर 2 लाइंस, तो इसमें है 1 मोर लाइन एडिशन। तो ये हमारी आंसर फिगर होगी। अब इस आंसर फिगर को देखिए, डी में दिखाई दे रही है ये आंसर फिगर, 3 लाइंस है, 1 2 3। तो ये है हमारा आंसर, देखिए आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ नॉट थ्योरी ऑफ एनवायरमेंटल इथिक्स। कौनता पर्यावरण रन विषयक नैतिक सिद्धांत नहीं। सो आंसर है हमारा इसका बायोसेंट्रिज्म, बायोसेंट्रिज्म, दिवो मध्यता। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्याजे प्रिंसिपल्स इज रिलेटेड टू चाइल्ड। प्याजे का जो प्रिंसिपल है वो बच्चे के किस उसूल से है। सो इट्स अबाउट कॉग्नेटिव डेवलपमेंट, इट्स अबाउट कॉग्नेटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 154, प्लानिंग ऑफ टीचिंग इज नॉट रिलेटेड विथ। शिकवण्याचे नियोजन शी संबंधित नसते। एनालिसिस ऑफ टास्क, आयडेंटिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव, राइटिंग ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स। सो एंड द क्लास मैनेजमेंट, सो क्लास मैनेजमेंट इट्स नॉट रिलेटेड विद द टीचिंग, ठीक है। तो हमारे पास ये जो बाकी सब है जो टीचिंग से रिलेटेड है, वो एनालिसिस ऑफ टास्क, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव, राइटिंग ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, GLNP OMKI का रिलेशन ऐसा है, तो SUVWY का कैसा होगा। तो आप रिलेशन देखिए, सबसे पहले क्या है देखिए, ABCDEFG, ठीक है, HIJK, जे है, के अब्सेंट है, एल है, एम अब्सेंट है, एन है, ओ अब्सेंट है, अब्सेंट है, और पी है। अब जो जो अब्सेंट है वो निकालिए, जे, ABCDEFG, एच आई जे, के, एम, ओ, ठीक है, यहाँ का के, यहाँ का एम, जे के एल एम एन ओ, और यहाँ पे आना चाहिए इसके बाद क्या, क्यू। अब ये यहाँ पर आइए, सेकंड उसमें आपको क्या क्या बता रहा है इसके रिलेशन में, ओ एम के और ABCDEFGHI, और इसके पहले है आता है आई, यानी कि जे के पहले का आई। तब ये जे एल एन ओ पी लिए, और उसका बीच बीच में का जो बचा हुआ है वो क्या है, ओ एम के, और जे के पहले कौन है, आई। तो देखिए इस सीरीज़ को बस क्या कर दिया गया है, ये ओ एम के आई जो उल्टी सीरीज है उसको इस तरह से सीधा लिख करके लिखा गया है। यहाँ का ओ लिया गया है एन के बाद का, एल के बाद का एम लिया गया है, के जे के बाद का के लिया गया है, और जे के पहले का आई लिया गया है। तो इस तरह से इसका ये रिलेशन हुआ। तो सेम हम इसी तरह से अब हमारा आंसर निकालेंगे, एस ABCDEFGHIJK LMNOPQR, आर के पहले, एस के पहले कौन आ रहा,
आर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी नहीं है यू है, तो ये यू आ गया, ऊपर टी लिख दो। फिर अब टी एस टी यू, वी नहीं है डब्ल्यू है, वी नहीं है डब्ल्यू है, तो यहाँ वी लिखो, डब्ल्यू वी डब्ल्यू, एक्स, एक्स एब्सेंट है इसलिए यहाँ लिखो, उसके बाद है वाई। अब बस इस सीरीज को क्या करो, एक्स है, वी है, टी है और क्या है, आर है। तो अब इस सीरीज को किस तरह से उसने लिखा था, ओ एम क्या है, तो एक्स लिखेंगे, वी लिखेंगे हम, टी लिखेंगे और आर लिखेंगे, एक्स वी टी आर। अब आंसर देखिए यहाँ पर, देखिए आंसर भी है एक्स वी टी आर, तो ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 156। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। सबसे पहले तो आप क्या करिए, ए प्लस बी लिख लीजिए। अब हमारे पास ए कंसीडर करिए 7, बी कंसीडर करिए 3, 7 प्लस 3 लिखिए और आंसर इज 10, एंड आंसर इज 10। ये होगी शॉर्ट ट्रिक। अब इसको लॉन्ग ट्रिक से आप अगर जाना चाहें तो देखिए क्या होता है कि 7 3 21, 21 21 कैंसल, ठीक है, 7 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, 7 क्यूब है, 7 स्क्वायर है, 7 क्यूब है, 7 स्क्वायर है, तो 7 7 कैंसल, 3 3 कैंसल, तो बचा क्या आपके पास, 1 7 बचा, क्योंकि ये स्क्वायर था ये क्यूब था, तो 2 7 कैंसिल होकर 1 बचा, प्लस 3 स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, तो क्या हुआ, 2 times 3 कैंसिल होकर 1 3 बचा, 7 plus 3 इज इक्वल टू 10। तो ये आपके पास दो मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने के, जिस चाहे जिस मेथड से चाहे उस मेथड से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ट्रैवल, ट्रेन एंड बस। तो देखिए ट्रैवल, ट्रेन, बस ये तीनों भी क्या है, जर्नी के व्हीकल्स है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, तीनों भी क्या है। तो अब देखिए ट्रैवलर्स जो है वो ट्रेन में भी जा सकते और बस में भी जा सकते, तो ये हमारा रिलेशन क्या है, राइट है, तो आंसर भी हमारा सी क्या है, राइट है। उसके बाद हम देखते हैं 158 क्वेश्चन, ठीक है 158 क्वेश्चन। तो अब हमारे पास क्या बताया गया है कि सिटिंग अरेंजमेंट बताया गया है इसमें, तो आपको क्या करना है, क्या बोला गया है कि एक क्लब मध्य 8 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, हे आकृति टेबल भोवती बसलेले आहेत, टेबलच्या कोपियात बसून बाहेरील बाजूला बघत आहे। तो अब ये जो 8 pupils है ये एक टेबल पे बैठे हुए हैं, ठीक है, टेबल पे बैठे हैं और ये कहाँ पे बस बैठे हुए, देख किस तरफ रहे हैं, टेबल के इधर नहीं देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, यानी कि इस तरह से उल्टा बैठे हुए हैं, ठीक है, ये 8 pupils इस तरह से बैठे हुए हैं, इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ से हमको सिटिंग अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा। टेबल कैसा है, रेक्टेंगुलर टेबल है, आउट ऑफ 8 फॉर सीटर कॉर्नर ऑफ अ टेबल एंड फेस आउटसाइड, उसमें से 4 लोग कहाँ बैठे हुए हैं, टेबल के आउटसाइड बैठे हुए हैं, इधर 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 और बाहर की तरफ देख रहे हैं, सो फेस टूवर्ड सेंटर ऑफ द टेबल, सो व्हाइल द 4 seats इन द मिडल ऑफ द साइड्स, और 4 लोग यहाँ बैठे हुए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 लोग कैसे बैठे हुए हैं, मिडल में बैठे हुए हैं और 4 लोग किधर है, कॉर्नर पे है, जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं और जो मिडल में बैठे हुए हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो डी सिट्स 3rd to the right of G, तो डी अब कहीं पर भी आप कौन सी भी जगह ले सकते हैं, डी सिट्स 3rd to the right of G, तो अब अगर डी सिट्स है, डी सिट 3rd to the right of G, तो अगर हम यहाँ पे डी को बिठाते हैं तो डी सिट्स 3rd to the right of G, तो अब डी का राइट साइड कौन सा है, ये वाला है, और कितनी पोजीशन पे है, डी 3rd पोजीशन पे है, यानी कि जी यहाँ पे बैठा है, ठीक है। ई इज 3rd to the left of C, ई सिट्स 3rd to the left of C, तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे ई अगर आप बिठाते हैं और यहाँ से 3rd C को लेते थे तो सी यहाँ आ जाता है, वाइल अदर 4 seats इन द मिड, तो कहाँ है, एच फेसेस द सेंटर, और एच कहाँ देख रहा है, सेंटर में देख रहा है। एफ इज नॉट इमीडिएट ऑफ सी, एफ सी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, एफ सी का पड़ोसी नहीं है, एच सेंटर की तरफ देख रहा है। ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, और
ए का पड़ोसी कौन नहीं है, एफ नहीं है, यानी सी एफ के बाजू नहीं है और एफ ए के बाजू नहीं है, यानी कि ये तीन लोग क्या हो गए, कट हो गए। और एच सेंटर में दिख रहा, चार लोग कट हो गए। अब बचे कौन हमारे पास, ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, सी डज नॉट सिट इन द मिडल ऑफ द साइड, और सी है कि नहीं क्या हुआ, मिडल में नहीं बैठा हुआ है। तो हमने सी को मिडल में बिठाया था, लेकिन सी मिडल में नहीं है, तो इसका मतलब सी यहाँ आ जाएगा कॉर्नर में, ठीक है। सी डज नॉट सी इन द मिडल ऑफ साइड, ए एंड बी आर सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द सिटिंग अरेंजमेंट, और ए और बी भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तब ये सब हमने समझ लिया, अब इसका देखते हैं क्वेश्चन। इमीडिएट राइट ऑफ ए इज ई, ठीक है, तो ए के इमीडिएट बाजू में ई है क्या, पूछ रहा है, ठीक है। एफ एंड एच एंड बी मध्यभागी भगत आहित, तो देखो एच कहाँ पे देख रहा था, सेंटर में था, एच सेंटर में देख रहा था, ये बात तो सही है, ये बात तो क्या है, सही है। लेकिन हाँ, तो ये बात सही है, इतनी मिल गई हमको। एफ इज़ द इमीडिएट राइट ऑफ बी, इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो एफ किसका पड़ोसी नहीं था, ए का पड़ोसी नहीं था, लेकिन बी का तो हो सकता है। इमीडिएट राइट ऑफ ए इज़ ई, और ए किसके पास हुए, ई के, तो ये भी हो सकता है। तो हमारे पास जो आंसर है वो देखिए, बीचे तात्कड़ उज्वीकड़े एफ आहे, बीचे तात्कड़ उज्वीकड़े कौन आहे, एफ आहे। कारण एफ कुठे होता, एफ ए चा पड़ोसी पर नहीं होता, सी चा पड़ोसी पर नहीं होता, और ई के थर्ड पे कौन था, सी था, सी कहाँ पे था, कॉर्नर पे था, सी कहाँ पे था, कॉर्नर पे था, तो ठीक है। और उन्हें ई का पड़ोसी भी नहीं था, तो अब किसी का भी पड़ोसी नहीं है, तो बी का तो होगा वो, इसलिए बी का है, तो एफ इज़ द इमीडिएट राइट ऑफ बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइटिंग ब्रोक आउट अमंग द प्रिजनर्स इन द प्रिजन सेल्स, ठीक है। तो देखिए, इस ब्रोक आउट यानी कि अचानक से स्टार्ट हो जाना, ठीक है, अचानक से शुरू हो जाना, क्या हो जाना, शुरू हो जाना। तो हमारे पास जो ब्रोक आउट है उसकी वजह पे हमारे पास आंसर आएगा स्टार्टेड सडनली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फिर से वही है कि आठ लोग बैठे हुए हैं हमारे पास, और हमने अभी सिटिंग अरेंजमेंट इसमें का देख लिया है, सिर्फ हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बता रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि व्हाट इज़ द पोजिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो हमने देखा था कि ये डायगोनल पोजिशन थी और सी कॉर्नर पर बैठा हुआ था, कहाँ बैठा हुआ था, सी कॉर्नर पे बैठा हुआ था। बी किसके अपोजिट था, ई के अपोजिट था, और ए किसके अपोजिट, ए किसके साथ नहीं था, ए एफ किसका पड़ोसी नहीं था, ए का भी नहीं था और सी का भी नहीं था। तो ये चारों लोग भी क्या हो गए हमारे पास, कट हो गए, सी का एफ बी ई कट हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज द पोजिशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो सी कॉर्नर पे है तो ए कहाँ पे होगा, ठीक है, तो ए होगा सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट। और ये क्वेश्चन को एक बार ऐसा ट्रायंगल बिठा के पूरे लोगों को यहाँ बिठा देने का, सी कॉर्नर पे था, ठीक है, फिर ये चार लोग ऐसे कॉर्नर पे थे, फिर तीन मिडल में थे, उसमें से क्या हो रहा था आपके पास, एक एफ कहाँ देख रहा था, सेंटर में। तो इस तरह से बिठा कर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है 161 क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बस इसको क्या करें, आप मल्टीप्लिकेशन कर ले अपना सिंपल, और हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने की बताने की जरूरत नहीं, सबको मल्टीप्लिकेशन आता है, 233910 आंसर। ये क्वेश्चन है, 1.2 रुपए चे 2.4 शी गुणोत्तर शोधा, फाइंड द रेशियो ऑफ 1.2 टू रेट 2.4। गुणोत्तर रेशियो निकालना है तो पहले रेशियो में लिख लीजिए 1.2, कहा है हमारे पास 1.2 डिवाइडेड बाय 2.4, 1.2 इज़ अ 1.2 इज़ अ 2.4, रेशियो इज 1:2, आंसर इज 1:2, राइट। स्त्रीलिंग शब्द ओढ़खा, स्त्रीलिंग शब्द ओढ़खा, तो ओढ़नी इज स्त्रीलिंग, पागोटे नहीं होता, धोतर नहीं होता, रुमाल भी नहीं होता, तो ओढ़नी इज स्त्रीलिंग शब्द। 150 किलोमीटर ला मिलीमीटर मीटर मिनट मध्ये रूपांतरित करा, कन्वर्ट 150 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर मिनट। तो देखिए 150 का हम 150 लिख लेंगे, किलोमीटर के लिए हम ले लेंगे 1000, ओके,
डिवाइडेड बाय मिनट के ले लिए हम लिए 60। अब कट कीजिए 0 0। अब हम क्या करेंगे, 2 3 6, 2 5 10, ठीक है, 3 1 3, 3 1 3, 5 15, बचा 5 और 0 का 0। अब ये 5 to 5 क्या होता, 25, और ये 0 to 0, 2 0, आंसर इज 250। और देख लीजिए यहाँ पे अपना आंसर, आंसर इज 2500 मिलीमीटर, मीटर पर मिनट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 165 वाला। ही क्या करना है हमको, फाइंड द वर्ड विच अपोजिट इन द मीनिंग टू बी अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड ऑप्शन। ये जो है रेलुस्टेंटली, इसका हमको अपोजिट ढूंढना है। कैसा ढूंढना है, अपोजिट, ठीक है, तो अपोजिट ढूंढना है। तो अनविलिंगली सेम मीनिंग, फोर्सिबली सेम मीनिंग, इनवॉलेंटली इनवॉलेंटेरिली सेम मीनिंग। तो इसका जो अपोजिट है वो है विलिंगली, और आंसर भी क्या है, विलिंगली। तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखकर वीडियो को खामोश ना बैठिए, दूसरों तक पहुँचाइए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। ओके।